वर्ल्ड कप 2023 का एक और बड़ा उलटफेर, पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की जीत ने पॉइंट्स टेबल और सेमीफाइनल की रेस में पूरी तरह से बवाल पैदा कर दिया है। जी हम बात कर रहे हैं वनडे वर्ल्ड कप 2023 की, और जैसे जैसे ये वर्ल्ड कप आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे पॉइंट्स टेबल की रेस और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। सेमीफाइनल की रेस में आए दिन बड़े न बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। उसी में से एक मुकाबला अफगानिस्तान, जो अच्छी फॉर्म में है, जिन्होंने इस साल इंग्लैंड को हराया है और अब पाकिस्तान को हराया है, बड़े मंच पर हराया है, बहुत बड़ा पाकिस्तान को सदमा दिया है। अफगानिस्तान की जीत के बाद और पाकिस्तान की हार के बाद क्या पाकिस्तान क्वालिफाई कर पाएगा, क्या अफगानिस्तान अब यहां से क्वालिफाई कर पाएगा, और इस मुकाबले ने बाकी टीमों का क्या हाल किया है, कैसे दूसरी टीमों के भी समीकरण बिगाड़े हैं, भारत, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, तमाम टीमों के क्या हालात है, सेमीफाइनल की रेस में कौन सी टीमें जगह पक्की कर चुकी है, कौन सी उस रेस से बाहर हो चुकी है और कौन सी टीमें बीच मझधार में फंसी हुई है, चलिए आइए आपको सब कुछ बताते हैं इस खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी है टीम इंडिया के फैन तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि क्रिकेट अपडेट आपको मिलती रहे। और अफगानिस्तान पाकिस्तान मुकाबले के बारे में आपकी जो कुछ भी राय हो कमेंट में बताएं, लेकिन चलिए जानते हैं पॉइंट्स टेबल के हालात। तो जी हां, पाकिस्तान के खिलाफ एक रोमांचक मुकाबले में अफगानिस्तान की ऐतिहासिक जीत, क्योंकि अफगानिस्तान कभी भी वनडे में पाकिस्तान को हरा नहीं पाया था, लेकिन ये वर्ल्ड कप जनाब इंडिया में हो रहा है और यहाँ हर चीज संभव है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को अंधे मुगराया है रोमांचक मुकाबले में, और जिसके बाद पाकिस्तान के सारे समीकरण बदल चुके। हम आपको बताएंगे पाकिस्तान को सेमीफाइनल में जाने के लिए अब क्या करना होगा, अफगानिस्तान की जीत से कैसे उनके लिए खुशखबरी तो भारत के लिए भी अच्छी खबर आई है, बाकी टीमों को कैसे इस मुकाबले ने अफेक्ट किया है। लेकिन उससे पहले जाने इस मुकाबले का स्कोर कार्ड क्या कहता है। दरअसल पाकिस्तान ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पाकिस्तान की तरफ से अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली, शुरुआत भी अच्छी थी और उसके बाद मिडिल ऑर्डर में बाबर आजम ने 74 रन की पारी खेली 92 बॉल पर। अब आप इसे क्या रेटिंग देंगे कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन साउथ शकील और उसके बाद सदाब खान, इफ्तिकार अहमद अच्छी फिनिशिंग दी है और 282 रन, 7 विकेट, 50 ओवर बनाए हैं। लेकिन उसके जवाब में अफगानिस्तान की बल्लेबाजी, दरअसल ये बैटल होने वाली थी कि अफगान के बॉलर वर्सेज पाकिस्तान के बैटल, लेकिन यह बैटल क्या हुई है कि अफगानिस्तान के बैट्समैन वर्सेज पाकिस्तान के बैट्समैन, और जिसमें जीत अफगानिस्तान की हुई है। अफगानिस्तान की शुरुआत देखिए, रहमतुल्ला गुरबाज 65 रन, इब्राहिम जादरान 87 रन, मतलब पाकिस्तान को पहला विकेट चटकाने के लिए 130 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप पड़ गई अफगानिस्तान की, और उसके बाद 60 रन की पार्टनरशिप एक और उसके बाद और पार्टनरशिप, मतलब कमाल की बल्लेबाजी करी और उसके बाद अफगानिस्तान ने रोमांचक अंदाज में इस मुकाबले को अपने नाम किया है। अब इस बड़ी जीत के बाद कहीं ना कहीं पॉइंट्स टेबल का बड़ा बदलाव है, आइए आपको बताते हैं। तो जी हां, पॉइंट्स टेबल में 10वें पायदान पर नाम इंग्लैंड क्रिकेट टीम का आता है, और इसमें कोई डाउट नहीं, आप सही सुन रहे हैं, 10वें पायदान पर इंग्लैंड क्रिकेट टीम है, जिन्होंने 4 में से 1 मुकाबला जीता है, 3 मुकाबले हारे हैं और 2 पॉइंट के साथ में 10th पोजीशन पर है। इंग्लैंड का बहुत बुरा हाल है, मतलब पिछले बार की वो वर्ल्ड चैंपियन टीम, और सोच के देखिए 10वें पायदान पर है। इंग्लैंड क्रिकेट टीम क्या सेमीफाइनल में जगह बना पाएगी, तो यहां से आप ये समीकरण इंग्लैंड के लिए बनते हैं कि बचे अब भी इनके पास 5 मुकाबले हैं और पांचों के पांचों जीतने जरूरी है। डू एंड डाई के मुकाबले हैं, जिसमें उनका भारत का मुकाबला बाकी है, ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला बाकी है, पाकिस्तान का मुकाबला बाकी है, तो इंग्लैंड के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें बढ़ने वाली हैं आने वाले समय में। और आप ये भी कह सकते हैं कि शायद ये टीम बाहर हो सकती है, अगर एक भी मुकाबला हारी तो नेट रन रेट पे डिपेंड होंगे और दूसरी टीम के ऊपर भी। कुल मिलाकर इंग्लैंड है 10वें पायदान पर और बचे 5 के 5 जीतने जरूरी। 9th पोजीशन पर नाम श्रीलंकन क्रिकेट टीम का आता है, 4 में से 1 मुकाबला जीता है, 3 मुकाबले हारे हैं और -1.048 2 पॉइंट के साथ में ये टीम 9th पोजीशन पर है। श्रीलंकन क्रिकेट टीम के लिए भी यही समीकरण बनते हैं कि बचे अब भी 5 मुकाबले हैं और पांचों के पांचों जीतने जरूरी है। ऐसा श्रीलंकन क्रिकेट टीम से आप उम्मीद नहीं रख सकते, इसलिए मात्र औपचारिकता के साथ में ये टीम जुड़ी है, बाकी ये टीम बाहर होने की रेस में काफी आगे है और बाहर लगभग हो भी चुकी है। पॉइंट टेबल में 8वें पायदान पर नाम नीदरलैंड क्रिकेट टीम का आता है, 4 मुकाबले खेले हैं, 1 मुकाबला जीता है, 3 मुकाबले हारे हैं, -0.790 की नेट रन रेट और 2 पॉइंट इनके पास में भी है। इन्होंने बड़ा उलटफेर वो जो साउथ अफ्रीका को हराया था वो किया था। अब इनके क्या समीकरण बनते हैं सेमीफाइनल में जाने के लिए, इनको भी अभी भी 5 मुकाबले खेलने हैं और पांचों के पांचों मुकाबले जीतने जरूरी है, तब जाकर ये सेमीफाइनल में जगह बना सकते हैं।
नीदरलैंड क्रिकेट टीम को देखकर आप नहीं कहेंगे कि 5-5 जीते और उम्मीद करें, इसलिए ये टीम भी उस पॉइंट्स टेबल की रेस से बाहर हो जाती है। और सातवें पायदान पर नाम बांग्लादेश क्रिकेट टीम का है, जिन्होंने भी 4 में से 1 मुकाबला जीता है, 3 मुकाबले हारे हैं, माइनस मैन की नेट रन रेट है 2 पॉइंट के साथ में ये सातवें पायदान पर हैं, बचे हैं 5 मुकाबले और 5 के 5 जीतकर सेमीफाइनल में जगह बना सकते हैं, तो आप नहीं कहेंगे ऐसा कर सकते। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि जो बांग्लादेश है, नीदरलैंड है, श्रीलंका है, इंग्लैंड है, ये टीम बाहर होने की रेस में सबसे आगे है। फिलहाल अफगानिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो 6th पोजीशन पर आ चुकी है 4 पॉइंट के साथ में, 5 मुकाबले खेले हैं, 2 मुकाबले जीते हैं, 3 मुकाबले हारे हैं और 4 पॉइंट के साथ में इस पॉइंट टेबल में 6वें पायदान पर है। नेट रन रेट पाकिस्तान से खराब है, इसीलिए ये टीम जो है वो थोड़ी नीचे है, अदरवाइज बहुत ही कमाल का प्रदर्शन पाकिस्तान के खिलाफ किया। अब अफगानिस्तान के क्या समीकरण बनते हैं, अफगानिस्तान के समीकरण ये बचते हैं कि बचे हैं 4 मुकाबले, जी हाँ, इनको अब भी 4 मुकाबले खेलने हैं सेमी फाइनल में जगह बनाने के लिए, और 4 के 4 मुकाबले जीतने जरूरी है। अगर ऐसा अफगानिस्तान कर जाते हैं तो वो सेमीफाइनल में जगह बना लेंगे, नो डाउट, लेकिन अगर एक भी मुकाबला हारे तो फिर आप सेमीफाइनल के रेस से बाहर हो जाएंगे, दूसरी टीमों के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे। इसलिए बड़ी जीत होने के बावजूद भी अफगानिस्तान का डगर थोड़ा मुश्किल नजर आता है, क्योंकि अब भी 4 के 4 मुकाबले जीतने जरूरी है, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान का बुरा हाल कर दिया है। पॉइंट टेबल में जो कि आप देख पा रहे हैं, इतने पायदान पर है पाकिस्तान क्रिकेट टीम 5वें पायदान पर, और पाकिस्तान ने 5 मुकाबले खेले हैं, 2 मुकाबले जीते हैं, 3 मुकाबले हारे हैं, 4 पॉइंट के साथ में ये टीम यहाँ रैंक कर रही है। पाकिस्तान के लिए शर्मनाक बात यह भी है कि ऑस्ट्रेलिया से भी हारे और अब अफगानिस्तान से भी हार चुके हैं, तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में जगह बना पाएगी? समीकरण पाकिस्तान के लिए क्या बचते हैं कि अब भी इन्हें 4 मुकाबले खेलने हैं और 4 के 4 मुकाबले जीतने हैं, तो पाकिस्तान के लिए रहा बहुत ज़्यादा मुश्किल नजर आती है, क्योंकि सारे मुकाबले डू एंड डाई से है। अब अगर एक भी मुकाबला अगर आप ऊपर नीचे हुए तो फिर आप बाहर होने के कगार पर आ जाएंगे, इसलिए पाकिस्तान ने भी बहुत ही ज्यादा खराब खेल दिखाया है। पाकिस्तान के लिए रास्ता है कि बचे हैं 4 मुकाबले, 4 के 4 जीतिए। अब पॉइंट्स टेबल की रेस में सबसे आगे कौन सी टीम है सेमीफाइनल की रेस में, तो ऑस्ट्रेलिया 4थे पायदान पर है, 4 में से 2 मुकाबले खेले, 2 मुकाबले हारे, 4 पॉइंट इनके पास में है। इस टीम को भी सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए बचे हैं 5 मुकाबले और उसमें से 4 मुकाबले जीतने जरूरी है। अगर 5 में से 4 ऑस्ट्रेलिया जीत गई तो सेमीफाइनल में जगह बना लेगी, ऐसा ही हाल साउथ अफ्रीका का भी है, 4 में से इन्होंने 3 जीते हैं और 1 मुकाबला हारा है, प्लस 2.212 की नेट रन रेट और 6 पॉइंट के साथ में ये टीम 3रे पायदान पर है। इनको भी सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए क्या करना होगा, इनको करना कुछ नहीं है, 5 मुकाबले खेलने हैं, 3 मुकाबले भी जीत गए ना तो सेमीफाइनल में इनकी जगह पक्की हो जाएगी। साउथ अफ्रीका के लिए आप कह सकते हैं कि 5 में से 3 जीत सकती है। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम इस पॉइंट टेबल में 2रे पायदान पर है, 5 में से 4 मुकाबले जीते हैं, 1 मुकाबला हारा है, प्लस 1.481 की नेट रन रेट और 8 पॉइंट के साथ में ये टीम 2रे पायदान पर है। भारत के खिलाफ हार मिली है, लेकिन इस टीम को अब भी 4 मुकाबले खेलने हैं और अगर 4 मुकाबलों में से 2 मुकाबले भी जीत गए तो ये टीम क्वालिफाई कर जाएगी। और आप ये कह सकते हैं कि न्यूजीलैंड तो खैर क्वालिफाई कर गई है, क्योंकि 4 में से 2 मुकाबले तो जीत ही जाएंगे। बात करते हैं पॉइंट टेबल की टॉपर टीम यानी इंडियन क्रिकेट टीम के बारे में, तो 5 में से 5 मुकाबले जीते हैं 10 पॉइंट के साथ में और अच्छी नेट रन रेट होने की वजह से ये टीम पहले पायदान पर है। इंडियन क्रिकेट टीम को क्या करना होगा सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए, तो दरअसल मुकाबले अब भी इनको 4 खेलने हैं और 1 मुकाबला भी जीते तो आप सेमीफाइनल में जगह बनाएंगे, इसीलिए इंडियन क्रिकेट टीम का रास्ता तो बेहद आसान नजर आता है। न्यूजीलैंड की जगह भी पक्की नजर आती है, साउथ अफ्रीका भी ठीक ठाक रैंक में है, बात ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान में फंसती हुई नजर आती थी, लेकिन अब पाकिस्तान की हार से इंग्लैंड के लिए भी कुछ समीकरण बन सकते हैं। खैर आप क्या सोचते हैं इस पॉइंट टेबल के बारे में, अपनी राय कमेंट में बताएं।